सीधी सड़क पर एक चलती हुई कार और उसमें सोए हुए तीन लोग। एक चलती हुई कार में सवार ड्राइवर सहित तीनों लोग कैसे सो सकते हैं? अगर हाँ तो क्या वो बेहोश थे या मर चुके थे? ये एक बहुत ही अजीब घटना थी जिसे देखने वालों के भी होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत है। ये अजीब सी घटना घटी थी दिल्ली से आगरा रोड पर। जाहिर है कि जब ड्राइवर होशो हवास में नहीं था फिर एक्सीडेंट तो होना ही था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक्सीडेंट होने के बावजूद भी तीनों में से कोई उठा नहीं था। क्या यह केवल एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी थी? घटना के चश्मदीद गवाहों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। सर, ऐसे ऐसे करके गाड़ी आ रही थी, ऐसा लगता था पी रखी है। मैं चिल्लाया, हॉर्न बजाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। मैडम देखिए कोई जिंदा है क्या अंदर? दरवाजा खुला कि नहीं खुला? और फिर गाड़ी ऐसे आई और ऐसे पेड़ में ठुक गई। सर दरवाजा खुल गया, चेक करो कोई जिंदा है क्या। सर ड्राइवर मर चुका है। सर ये लेडी भी मर चुकी है, फोटो पे चलो। एम्बुलेंस बुलाओ। एक एम्बुलेंस भेजिए जरा जल्दी। सर ये कुछ खाने पीने की चीजें गाड़ी में से मिली है। मुझे लगता है खाने पीने की चीजों में जहर था जिसकी वजह से इन सब की मौत हुई है। नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ होता गाड़ी में कोई उल्टी या मुंह से झाग निकला होता। फिर भी सभी चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। ओके सर। हवलदार इसको संभाल के रखिए, ये लीजिए। लाशों को संभाल के बाहर निकालो और सभी चीजों को भी। मिश्रा डिक्की चेक करो। कुछ मिला? सर इनकी बैग से ये कार्ड मिला है, इनका नाम दीप्ति वर्मा है। सर संभालो, जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसकी जेब से ये लाइसेंस मिला है, वरुण नाम है इसका। यादव गाड़ी की पेपर चेक करो, गाड़ी किसके नाम पे? सर गाड़ी के पेपर मिले किसी वरुण के नाम पे। इसका मतलब जो लड़का गाड़ी चला रहा था ये गाड़ी भी उसी के नाम पे। मिश्रा एक काम करो, इन सबके फोन लो और इनके रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को फोन करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। कुछ मिला? इनकी जेबें चेक करो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कुछ मिला? मिश्रा कार का एसी चेक करो, देखो गैस लीक तो नहीं हुई। स्टार्ट करने की कोशिश करो। सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कुछ पता चला मिश्रा? शायद इसी का गैस लीक हुआ है, इसी के कारण इन सबकी मौत हो गई। नहीं मिश्रा, अगर ऐसा होता मिश्रा वो लोग विंडो भी तो खोल सकते थे, लेकिन उनकी हालत देख के ऐसा लगता है उन लोगों को तो टाइम भी नहीं मिला विंडो खोलने का। हो सकता है सर,
लाश के जेब से रेस्टोरेंट की बिल मिली। इसका मतलब इनके एक्सीडेंट से पहले इन लोगों ने खाना खाया था। सर ये रेस्टोरेंट पास में ही है, 200-300 मीटर की दूरी पर। चलो चल के चेक कर लेते हैं। मिश्रा उस गाड़ी को थाने बुलाओ और एक अच्छा सा मैकेनिक भी। यहाँ का मैनेजर कौन है? सर मैं। ये बिल तुम्हारे यहाँ का? यस सर। कुछ लोग थोड़ी देर पहले यहाँ से खाना खा के निकले और रास्ते में उनकी मौत हो गई। क्या मिला था खाने में? कुछ नहीं सर। फिर कैसे हो गई? सर हमारे यहाँ तो एक घंटे में 20-30 लोग रोज खाना खा के जाते हैं। अब उन तीनों के साथ ये हुआ, सर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, हमारे खाने में कोई जहर नहीं है। जरा गौर से देख के बताओ, यहाँ ये तीनों ही आए थे या इनके साथ कोई और भी था? हो सकता है किसी ने खाने में कुछ मिला दिया हो। नहीं सर, मुझे ठीक से याद है इनके साथ और कोई नहीं आया था, ये सिर्फ तीन ही थे और ये वहां उस टेबल पर बैठे हुए थे। थैंक यू। बोलो कौन क्या खाएगा? ये डायरेक्ट खाना नहीं, मैं तो पहले बियर पीऊंगा। पागल हो गए तू? बियर? अगर तू बियर पिएगा तो तेरे साथ नहीं आ रही हूं मैं, सोच ले अब। तो क्या हो गया? ठीक है फिर, पूछ क्यों रही हो इतना मुझसे? जो मंगाना है मंगा लो। तू भी ना। चल बोल जल्दी से। आई थिंक सैंडविचेस। तू देखना क्या खाना है। सैंडविचेस ठीक है, मेरे से तो पूछ लो। बीयर पी दू? हाँ अभी पीता हूँ। इन्होंने खाना खाया और चले गए। ठीक है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। मिश्रा मुझे इन तीनों के बारे में एक एक डिटेल चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हो जुटाओ। जी सर। सर ये देखिए, वरुण और दीप्ति के फोटो को देखकर ऐसा लगता है ये दोनों काफी क्लोज हैं। और सर बड़ी अजीब बात है, इसके फोन में वो बंदे की ना तो कोई तीसरी फोटो है ना ही उसका कोई अता पता है। सर मैं राज, दीप्ति का हस्बैंड, और ये दीपक उसका भाई। यही आपकी पत्नी? हाँ सर ये दीप्ति है। प्लीज बैठिए। सर ये सब हुआ कैसे? देखिए ये एक्सीडेंट है या मर्डर, अभी इस बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तभी हम आपको कुछ बता सकते हैं। सर मैं दीप्ति की डेड बॉडी को देखना चाहूंगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही उनकी बॉडी ले सकते हैं। माफी चाहूंगा आपको ऐसे हालात में बुलाना पड़ा, आपसे कुछ एक सवाल करने थे। क्या आप जानते थे कि आपकी पत्नी इन दो लोगों के साथ कहीं जा रही थी? हाँ सर ये वो वरुण है, इसके साथ ही वो कॉलेज के रीयूनियन में गई थी। आज सुबह ही हम दोनों अपनी बेटी को उसकी नानी के वहां छोड़ने गए। क्या चाहिए? हाय कैसी हो दीप? मैं बहुत अच्छी। अजी मेरा बच्चा। अच्छा दीदी माँ कहाँ है? माँ नहा रही है। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, पीहू का ना ध्यान रखिए। पर तुम जा कहाँ रही हो? आपको बताया तो था आज मेरे दोस्तों के साथ ना गेट टुगेदर है, बस वहीं जा रही हूँ। हेलो। हाँ वरुण मैं बिल्कुल रेडी, ऐसा करो तो मुझे मेरे घर के बाहर ना मेन रोड पे मिल जाओ, मैं मेन रोड पे आ जाती हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाय। आप इसे जानते हैं क्या? ये आदमी अभी उनके साथ गाड़ी में था, आप जानते हैं सर? नहीं सर इससे पहले कभी नहीं देखा। आप जानते हैं सर? आप? नहीं सर मैं भी नहीं जानता। हो सकता है ये लड़का भी उनके साथ कॉलेज के गेट टुगेदर में जा रहा हूं। सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। हवलदार इनसे दीप्ति के कॉलेज की डिटेल ले लो और ये फोटो लेके कॉलेज में जाओ और पता करो ये लड़का कहाँ रहता है और इसका नाम क्या है। जी सर।
सर वो दीप्ति की डेड बॉडी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही उनकी बॉडी ले सकते हैं। अभी आप लोग घर जाइए, जैसे हमें कुछ पता लगता है आपको खबर कर देंगे। मिश्रा, यस सर। इन तीनों मरने वालों की पूरी जन्म कुंडली निकालो। इन लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा था मुझे एक एक डिटेल चाहिए। और हाँ, दीप्ति के भाई दीपक को दोबारा बुलाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका जीजा कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा था। तो इस मरने वाले के घर वालों को पता करो। जी सर। सर एक बात और, वरुण के फोन पर जो लास्ट कॉल गया था वो उसकी बीवी का था। मेरी उससे बात हुई थी, वो बस आई चुकी होगी। बुलाओ सर। स्नेहा जी, हौसला रखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं। आपके पति मिस्टर वरुण जाने से पहले कुछ कह के गए थे? नहीं सर, वरुण मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे। वो मुझे कुछ नहीं बताते थे। उन्होंने ये भी नहीं बताया वो कहाँ किसके साथ और क्यों जा रहे हैं। हाँ, निकलते समय उनका कॉल जरूर आया था। और फिर वरुण कहाँ जा रहे हो? घूमने? किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ। वरुण आप कभी नहीं सुधरोगे। स्नेहा जी संभालिए अपने आप को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पति का कातिल जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। भाई साहब, साहब गाड़ी एकदम चकाचक है। गाड़ी में साहब कोई खराबी नहीं है, दो बार मैंने चेक किया इसको। और एसी? एसी तो साहब बिल्कुल सही है। तुम्हारे कहने का मतलब इसी गैस लीक नहीं हुई थी? नहीं साहब, कोई गैस लीक नहीं हुई। गाड़ी बंद कर लो। मिश्रा, अब इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि कोई हादसा नहीं था बल्कि एक मर्डर है। सर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी इन तीनों से दुश्मनी हो? हो सकता है कोई तीनों को मारना चाहता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई दो को मारना चाहता था और साथ में होने की वजह से तीसरा भी मारा गया, या फिर कोई एक को मारना चाहता था। हो सकता है सर। डॉक्टर, अब तक की हमारी सारी जांच आपकी रिपोर्ट पे टिकी। खाने पीने की सारी चीजों को तो मैंने चेक कर लिया है, पर जहर किसी में भी नहीं मिला। फिर ये लोग मरे कैसे? ना खाने पीने की चीजों में जहर, ना बॉडी पे जख्म के निशान, ना ही कार की गैस लीक हुई थी। जहर बॉडी में था लेकिन पेट में नहीं। ये जहर हवा में था, इसलिए तीनों के फेफड़े इतने बुरी तरह से डैमेज हुए और इनकी मौत हो गई। तो आपके कहने का मतलब कार में कोई जहरीली गैस थी? लेकिन मैकेनिक ने तो कहा था कार का एसी बिल्कुल ठीक है। ये गैस एसी से लीक होने वाली गैस नहीं थी। ये कौन सी जहरीली गैस थी इसे जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। फिर ये जहरीली गैस कार में आई कहां से? कार की विंडो तो बिल्कुल बंद थी। सर हो सकता है जो चीजें हमें गाड़ी में से मिली हैं ये जहरीली गैस उसी में से निकली हो। हो सकता है। मैं काम करो, इन तीनों मरने वालों के दोस्तों, रिश्तेदार और सभी जान पहचान के लोगों पर नजर रखो। पता करो कि वो कौन है जो केमिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। और ये लड़का, इसके घर वालों को पता चला? ये सब भी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में कुछ दिन की छुट्टियां चल रही, कोई स्टाफ नहीं आ रहा। थैंक यू डॉक्टर। अब तक पुलिस दीप्ति और वरुण के अलावा कार में तीसरा व्यक्ति कौन था इसकी पहचान करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। पोस्टमार्टम के अनुसार उनकी मौत जहरीली गैस से हुई थी। कई बार एयर कंडीशन की गैस लीक होने से ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा भी नहीं था।
तो जहरीली गैस कौन सी थी और कार के अंदर कैसे पहुंची? अभी तक ये भी नहीं पता हो पाया था कि ये हादसा है या हत्या, लेकिन इस घटना के शिकार लोगों की जिंदगी के कई पन्ने पुलिस की जांच में खुलने वाले थे। सर, आप बिना मतलब के मेरे जीजा जी पे शक कर रहे हैं। वो दीप्ति को नहीं मार सकते। मिस्टर दीपक, आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दीजिए। पर छोटा मोटा झगड़ा किस कपल के बीच में नहीं होता। सर, एक्चुअली मेरे जीजा जी को दीप्ति का वरुण से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें लाख बार समझाने की कोशिश की। मिसअंडरस्टैंडिंग किस कपल के बीच में नहीं होती। आप लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, क्यों कर रहे हो आप लोग? वही, इतनी देर से मैं वही समझाने की कोशिश कर। कह दिया ना, मुझे तुम्हारी दोस्ती उस लड़के वरुण के साथ पसंद नहीं है। तुम उसके साथ नहीं जाओगी। मैं वरुण के साथ बाहर जाऊंगी तो मैं जाऊंगी। मैंने कह दिया ना, तुम वरुण के साथ नहीं जाओगी। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों, दीप्ति तुम चुप हो जाओ। दीदी आप मुझे चुप होने के लिए बोल रही? वरुण मेरे कॉलेज का दोस्त है और तुम मेरे दोस्त के साथ मुझे मिलने के लिए ऐसा नहीं रख सको। उसके साथ मैं सिर्फ पार्टी करने जा रही हूँ। वरुण के साथ गई तो अच्छा नहीं होगा। कहा था मैंने, झगड़ा हुआ था हमारा। लड़ाई किस हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं होती, और आपको ये सब कहा किसने? दीपक ने, दीप्ति के भाई ने कहा ना। सर सच कहूं ना तो मैं नहीं, खुद दीपक अपनी बहन से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। दिन भर उसके कारण उसे ताने सुनने पड़ते थे। जलता था वो अपनी बहन से। जिसे देखो जब देखो दीदी 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 करता रहता है। क्या मैं अपनी ओर से कोशिश नहीं कर रहा? आप बताइए जीजा जी, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मुझे 24 घंटे अपनी बहन की वजह से बातें सुननी पड़ती कि वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो मुझसे ज्यादा आगे। मेरा तो जैसे इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। सिर्फ अपनी बहन की वजह से मैं क्यों सुनूं बातें सबकी? दीपक भी हमारे शक के दायरे हैं मिस्टर राज, और जो तीनों मरे हैं वो भी। लेकिन सबसे ज्यादा शक आप पर है मिस्टर राज, क्योंकि आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और केमिकल फर्म के साथ आप काम भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको सारे जहरीले केमिकल्स की जानकारी भी होगी, और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी बखूबी जानते होंगे आप। उन लोगों का मर्डर जहरीली गैस से ही हुआ है। सर, केमिकल फर्म में काम करने से और केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होने से आप लोगों ने मुझे किलर बना दिया। आप लोगों के पास सबूत क्या है? सबूत नहीं है, इसीलिए आपको अब तक अरेस्ट नहीं किया मिस्टर राज। लेकिन जिस दिन हमारे पास ठोस सबूत होगा उस दिन आप सलाखों के पीछे होंगे। तो सर जब सबूत मिल जाएगा ना तब बुला लेना। अब मैं जा सकता हूँ? ठीक है, अभी तो आप जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाएंगे। सर, आपको क्या लगता है उन सबको इसने मारा होगा? होने को तो मिश्रा कुछ भी हो सकता है, अब तक हमारी जांच नहीं अंदाजों पे तो टिकी। इस लड़के को उस कॉलेज से कुछ पता चला? हाँ सर, इस लड़के का नाम लोकेश आहूजा है और ये दीप्ति के साथ कॉलेज में पढ़ता था। इसकी एक बहन है, मैंने बुलाया है उसे। मैडम चलिए चलिए। लोकेश की बहन विभा बैठी। विभा जी, विभा जी, क्या आप जानती थी कि आपके भाई किन्हीं दो लोगों के साथ बाहर गए थे? भैया तो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गेट टुगेदर में गए थे सर, लेकिन सर ये सब कैसे हो गया? सर मेरे ही सामने भैया को दीप्ति दी का फोन आया था। हेलो, हाँ हाय दीप्ति दी, कैसे हो आप? हाँ एक मिनट, भैया को बुलाती हूँ। भैया। हाँ विभा। भैया आपका फोन है, दीप्ति दी का। हेलो, हाँ दीप्ति, आज? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। अच्छा सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ और वहां से फिर मैं कॉलेज से गेट टुगेदर में चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। ओके ओके बाय। लेकिन सर, सर मेरे भैया को किसने मारा होगा सर? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं विभा जी। लेकिन एक बात बताइए विभा जी, आपको पता था कि आपके भाई गेट टुगेदर के लिए गए और वो तीन दिन तक वापिस नहीं आया,
क्या आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, सर भैया के पास उनका फोन था ही नहीं, उनका फोन तो सर्विसिंग के लिए दिया हुआ था। सर वैसे भी भैया 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही दोस्तों के साथ निकल जाते थे। भैया जी अभी आप घर जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलता है आपको खबर कर देंगे। जी सर। आइए। जरा नीचे लेना, जरा ये दिखाइए। और नीचे लेना। अपडेट मिशन? जी सर। सर सारी कॉल मैसेजेस और सोशल नेटवर्किंग की चैट हिस्ट्री चेक करने के बाद एक नई कहानी सामने आई। सर ये वरुण बड़ा ही रंगीला किस्म का आदमी था, काफी लड़कियों से दोस्ती थी इसकी, और लोकेश की बहन विवाह के साथ भी अफेयर था इसका। क्या? जी सर। सर काफी महीनों तक इन दोनों के बीच बातचीत होती रही, पर सर अचानक 3 महीने पहले इन दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। नहीं सर, मुझे नहीं पता था उनका किसके साथ अफेयर था, यहाँ तक कि वो मुझे ये नहीं बताते थे वो किसके साथ कहाँ क्यों जा रहे हैं। हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, लेकिन सर वो मजाक था, वो इस तरह के मजाक करते रहते थे। लेकिन स्नेहा जी उनका ये मजाक सच भी तो हो सकता था। सच भी होता तो मैं क्या कर पाती थी, लड़ाई करती, झगड़ा करती और ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन नाराज रहती, लेकिन फिर सर मैं आपसे वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार से ज्यादा मुझे ये लगा था कि वरुण के साथ मेरी लाइफ सिक्योर है, लेकिन लेकिन 3 महीने पहले ही भैया को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। भैया ने वरुण को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लेकिन उन्होंने उसके बाद से मेरा उससे मिलना जुलना बंद करवा दिया, और उसके बाद 1 महीने में ही वरुण ने किसी और से शादी कर ली। तो लोकेश ने वरुण से कुछ कहा क्यों नहीं, दोनों की तो अच्छी खासी दोस्ती। एक्चुअली सर भैया का एक पुलिस केस चल रहा था, इसकी वजह से उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। सर वरुण एक ऐसा शख्स था जो भैया को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था, शायद इसीलिए वरुण को भैया कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, लेकिन सर मेरी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अगर उनके बीच में झगड़ा हुआ था तो उनके साथ गाड़ी में बैठ के क्यों जा रहा था? एक्चुअली सर मैंने दीप्ति दीदी से इस बारे में बात की थी, और दीप्ति दीदी का ही प्लान था कि वो उन दोनों को गेट टुगेदर में लेके जाएंगी। लेकिन लोकेश दीप्ति की इतनी बात क्यों मानता था? सर भैया को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही सिर्फ दीप्ति दी के कहने पर दीप्ति दी के हस्बैंड के केमिकल फर्म में उनको नौकरी मिल गई, और इसी वजह से भैया दीप्ति दी की कोई बात नहीं काटते थे, उनकी सारी बात में हाँ मिलाते थे। मिश्रा ये केस इतना आसान नहीं है जितना लगता है, ये केस तो उलझता ही जा रहा। मिश्रा कहीं ना कहीं हम जरूर कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ तो है जो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इन सभी में एक ही चीज कॉमन है, वो जहरीला केमिकल। दीप्ति का पति राज, जिसे दीप्ति और वरुण का रिश्ता पसंद नहीं था, और ये केमिकल फर्म में काम भी करता था, और जैसा कि राज ने बताया दीपक दीप्ति का भाई, इसको दीप्ति के कारण काफी ताने सुनने पड़े, तो इस पे शक करना बनता है। और लोकेश और वरुण, लोकेश को वरुण और विभा का रिश्ता पसंद नहीं था। सर लोकेश को अभी अभी केमिकल फॉर्म में जॉब मिली थी, उसको भी केमिकल के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होगी। हो सकता है,
और ये दोनों। एक काम करो मिश्रा, इन सभी की हिस्ट्री निकालो। कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं, जाओ पता करो। जी सर। क्या पता चला? 4 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लड़कों ने एक प्रोफेसर के साथ मारपीट की थी। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। और सर ये लोकेश आहूजा उस केस के मुख्य आरोपी थे, जिसे 6 महीने पहले कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। सर इसी बात को लेके प्रोफेसर अग्रवाल का बेटा प्रशांत अग्रवाल बहुत गुस्से में है। प्रशांत कहाँ मिलेगा प्रशांत? सर उसी कॉलेज में केमिकल लैब असिस्टेंट है। बुलाओ सर। जी सर। एक्सक्यूज मी, एसआई मिश्रा साहब कहाँ मिलेंगे? एसआई साहब अंदर मिलेंगे आपको। शुक्रिया। सर आपने बुलाया, बैठिए। थैंक यू सर। तो मिस्टर प्रशांत, आपको अदालत के सुनाए फैसले पर आज भी बहुत गुस्सा है? सर मेरे पापा के हत्यारे बड़ी आसानी से छूट गए, तो एक बेटे को गुस्सा नहीं आएगा? और वैसे भी इस देश में एक आम आदमी गुस्से के अलावा और कर भी क्या सकता है? और सर वैसे भी मुझे गुस्सा सिर्फ लोकेश पे था, मुझे मारना होता मैं लोकेश को मारता, उन दोनों बेकसूर लोगों को कभी नहीं। सर जिस तरह से उन तीनों को मारा गया मिस्टर प्रशांत, शक तो आप पे ही बनता। आप कॉलेज में लैब असिस्टेंट है ना? जी सर। तो जाहिर सी बात है आपको हर तरह की जहरीली गैस और हर केमिकल के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। बिल्कुल सर। और उसको हासिल करना उतना ही आसान होगा नहीं? सर मैं कॉलेज के अंदर एक लैब असिस्टेंट हूँ, वहां पर हर चीज का रिकॉर्ड होता है, किसी भी चीज को लाना और ले जाना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी उन तीनों को जिस जहर से मारा गया है वो जहर उस कार के अंदर ले जाना इतना आसान नहीं है, वो कोई ऐसे इंसान लेके जा सकता है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता हो। सर मुझे जानना तो बहुत दूर, वो मुझे अपनी कार में भी नहीं बैठाते, और अगर गलती से मैं उस कार में बैठ जाता तो उस जहर का इफेक्ट इतनी तेज था कि वहां पर आपको 3 लोगों की नहीं 4 लोगों की लाश मिलती। तुम्हें उस जहरीली गैस के बारे में इतनी नॉलेज कैसे? क्योंकि सर मैं इसी फील्ड से हूं बस। सर मैं आप जा सकता हूं? जा सकते हो। नजर रखो इस पर। सर उस कार परफ्यूम में यह जहरीला केमिकल मिला हुआ था, इसे कैरी करना बड़ा ही खतरनाक होता है। रूम टेम्परेचर से ज्यादा होते ही ये बॉइल होना शुरू कर देता है और गैस फॉर्म में बदल जाता है। जैसे ही कोई भी इंसान इस गैस के संपर्क में आता है चंद मिनटों में उसकी मौत होती है। तो आपके कहने का मतलब इसे वही इंसान यूज कर सकता है जो इस केमिकल की अच्छी नॉलेज रखता हो? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू डॉक्टर। सर क्या स्टेटस है मिश्रा? सर दीप्ति का पति राज, प्रोफेसर का बेटा प्रशांत और लोकेश, ये तीनों के तीनों केमिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे इन तीनों पर शक। यू आर राइट मिश्रा, लेकिन दीपक, लोकेश की बहन विभा, इन तीनों को भी शक के दायरे में रखो, क्योंकि हो ना हो ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ सर, और इन्हीं में से किसी एक ने वो जहरीला केमिकल गाड़ी के परफ्यूम में मिलाकर गाड़ी में छोड़ दिया होगा। फोन रिकॉर्ड का क्या हुआ? हाँ सर, शर्मा वो कॉल रिकॉर्ड की फाइल लाना। जी सर। सर किसी के कॉल रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, मगर प्रशांत का कॉल रिकॉर्ड देखने के बाद एक नई कहानी सामने आई। पिछले 1 महीने से प्रशांत और दीप्ति के भाई के बीच में
कंटिन्यू बात चल रही है और कई बार तो इन लोगों की लोकेशन सेम है। क्या? यस सर। चलो इस प्रशांत से मिलके आते हैं। ओके सर। पुलिस के शक के घेरे में अभी तक दीप्ति का पति राज, दीप्ति का भाई दीपक, लोकेश की बहन विभा और वरुण की पत्नी स्नेहा थी। अब इस लिस्ट में प्रोफेसर का बेटा प्रशांत भी शामिल कर लिया गया था, जो उसी कॉलेज में नौकरी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक कातिल बेहद शातिर था और उस तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि यह पता किया जाए कि उनकी मौत किस जहरीली गैस से हुई है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह पता भी चल गया। सर मैं आपको बताने वाला था, सर दीप्ति का भाई दीपक मुझे जॉब के लिए बार बार फोन कर रहा था। अच्छा तो कहां जॉब दिलाई तूने उसे? सर मेरे कॉलेज में एक टेंपरेरी वैकेंसी थी, मैंने बोला मैं बात करता हूं। सर मैं सच बोल रहा हूं, बात तो सुनिए आप प्लीज। सर आपने बुलाया मुझे? क्यों भी दीपक, पिछले 2-3 महीने में प्रशांत से काफी बातचीत हुई है तेरी, क्या चक्कर है? सर वो नौकरी के सिलसिले में मैं उससे मिला करता था और वो बस मेरी नौकरी दिलवाने में मदद कर रहा था। तो दिलवाई उसने नौकरी? सर डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए मैं उसे 2-3 बार मिला और नौकरी के लिए कोशिश चल रही है। एक काम करो, इन सबको पकड़ के लाओ। अब मुजरिम को उसी की चलाकी से पकड़ना होगा। मैं सर से मिलकर आता हूं और जब तक मैं ना कहूं कोई बाहर नहीं निकलना। हमने क्या किया है? चुप बैठे रहिए। अरे सर कहां जा रहे हो आप? अरे यार ये लोग मतलब हमें किस तरह से यू कुछ आईडिया है मतलब यार। गाड़ी कैसी ऑफ है? यस सर। अच्छे से बंद की गाड़ी? यस सर। सड़ने दो सभी को, देखते हैं कौन क्या करता। एसी ऑफ कर दिया इतनी गर्मी में? यार क्यों बिठा दिया हमें? पुलिस वाले हमारे साथ बिहेव तो ऐसा कर रहे हैं जैसे हम ही क्रिमिनल हैं। तो लाए क्यों यहाँ पर, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये कहाँ गया? वो गया कहाँ है सब इंस्पेक्टर? और गाड़ी की एसी भी ऑफ कर गया? ऐसा ऐसा थोड़ी ना चलेगा, मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। एसी भी नहीं चल रहा है, गर्मी। ना क्या हो रहा है? गाइस मैं निकल रहा हूं यहां से, मैं अब और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, मुझे निकलना है यार यहां से। मैं हूं ना तो गाइस, गाइस मैं ऐसे घुट घुट के नहीं मर सकता यार। दीपक चिल। नहीं यार बैठ जा तू, मेरा दम घुट रहा है यार। दीपक काम डाउन, आई कांट टेक इट मोर। यार काम डाउन। अरे यार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, मुझे यहाँ से निकलना है। आप लोग आ रहे हो मेरे साथ? आ रहे हो आप लोग मेरे साथ? कोई आ रहा है मेरे साथ? अरे दीपक बैक गाइस, तुम लोग चल रहे हो कि नहीं आ रहा है मेरे साथ? कुछ यार, I can't take it no more। कोई आ रहा है? कोई आ रहा है मेरे साथ? अरे दीपक बैक कुछ यार, I can't take it no more। काम डाउन। शांत, तू जानता है हम यहाँ इस तरह से मर जाएंगे। तुम दोनों थोड़ी शांति रखो, कुछ नहीं होगा, रुको। निकलो यार यहाँ से। चल खड़ा हो यहाँ पे। बोल क्यों मारा तीनों को? बोल। सर मैंने नहीं मारा उन तीनों को। अच्छा तो भी यही मानता है कि तूने नहीं मारा? मिश्रा ले चलो ऐसे। सर एक सेकंड। हाँ सर मैंने ही मारा उन तीनों को। लेकिन मैं उन तीनों को नहीं,
सिर्फ अपनी बहन को मारना चाहता था, क्योंकि तंग आ गया था सर मैं उससे। घर वालों को छोड़ के बाकी सब भी उसकी वजह से मुझे ताने मारते थे सर। ना तुम पापा का काम संभाल सकते हो ना ही तुम नौकरी कर सकते हो। अपनी बहन से सीखो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपने पति कहने को। कुछ बोलोगे? फायदा क्या तुमसे बहस करके? एक लड़की हो के वो इतना कुछ कर सकती है और तुम उसी के भाई हो। पर वो कहां और तुम कहां? इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं और चली जाऊं। कम से कम तुम्हारे बीबी बनने की बदनसीबी तो नहीं झेलना पड़ेगा मुझे। एक बच्चे होने का सुख भी नहीं दिया है तुमने मुझे। पति कहते हो तुम्हें शर्म आती है मुझे। अब ये बता, केमिकल कहां से मिला तुझे? बोल सर। इस काम में तेरी मदद किसने की? सर वो प्रशांत। देख, हमें सच पता चल चुका है कि तूने ही दीपक की मदद की थी उन तीनों को मारने में। अब तू सीधे सीधे सच बोल दे या मार खा के, ये तेरी मर्जी कि तूने सच कैसे बोला। हाँ सर, मैंने दीपक की मदद की थी। हम एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जानते थे और जब उसने मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में कॉल करके मुझसे मुलाकात की तो मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही दौर से गुजर रहे हैं। हम दोनों के मन में बहुत गुस्सा था सर। वो अपनी बहन को मारना चाहता था और मैं उस कातिल को जिसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। लोकेश, दीपक इतने दिन हो गए क्या कर रहा है तू? इतने दिन हो गए तेरे को बोले हुए, अब तक कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। बात सुने, कुछ दिनों बाद लोकेश और दीप्ति अपने कॉलेज के पुराने साथियों के साथ एक गेट टुगेदर पे जा रहे हैं। आई थिंक अच्छा मौका है उन्हें मारने का। तू लोकेश को क्यों मारना चाहता है? मैं लोकेश को नहीं मारना चाहता। फिर मैं सिर्फ अपनी बहन को मारना चाहता हूँ। एक एक मिनट मुश्किल हो गया उसकी वजह से काटना मेरा। तो बोल करना क्या है? सुन, मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि उससे किसी को शक भी नहीं होगा और उसमें हमारा काम भी हो जाएगा। बस जैसा मैं कहता हूँ तू वैसे ही कर। तो बोल क्या करना? तो चल मेरे साथ, बता दो मुझे। जल्दी है जल्दी। ये स्लैब का सबसे ज्यादा जहरीला केमिकल है। मैंने एक जहरीले केमिकल को इस कार परफ्यूम की बोतल में डाल दिया है। 24 डिग्री के टेम्परेचर से ऊपर जाते ही ये उबलने लगता है और जहर में बदल जाता है। इससे किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। बस इसे तो बहुत होशियारी के साथ उस कार में रखना जिसमें तेरी बहन और लोकेश गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं। दीपक, एक बात का ख्याल रखियो। क्या? इसे ड्राई आइस से बाहर तब निकालियो जब कार का टेम्परेचर 24 डिग्री से नीचे हो। प्रशांत, लेकिन ये काम करेगा ना? 100% काम करेगा। बस जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा कर, समझ गया? अपना ख्याल रखियो। ठीक, चल। अरे दीप्ति, ये तो दीपक है। हे दीप्ति। अरे दीपक, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे यार, मेरी बाइक खराब हो गई, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था। चला बैठना, हम लोग तुझे छोड़ देते हैं। शौक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ यार बैठ, हम तुझे छोड़ देते हैं, चल आ जा। थैंक यू। हाय यार, कैसा है? हाय, हाउ आर यू वरुण? गुड यार। कहाँ जा रहे दीपक? दीप्ति, मैं एक अर्जेंट काम से जा रहा था। अच्छा वरुण, लिसन, तू कार परफ्यूम यूज करता है ना? हाँ यार। यार मेरे दोस्त ने कार परफ्यूम बनाया तो उसने मुझे एक टेस्ट सैंपल दिया था, ट्राई करके देखना इसे। दिखा यार। इसे क्या आइस बॉक्स में रखते हैं? हाँ यार, आई थिंक इसकी कोई स्पेशल क्वालिटी के लिए रखते होंगे इस आइस बॉक्स में। इंटरेस्टिंग। या अच्छा है ना? गुड यार, अच्छी फ्रेग्रेंस है।
अच्छा वरुण, आगे ना किसी रेस्टोरेंट पर रोक के चल रहा हूँ, बहुत भूख लगी, खाना खा के चलते हैं। तू भी चलना चाहता है? नहीं वरुण, एक काम करना यार, मुझे यहाँ लेफ्ट में बस यहाँ गाड़ी रोक दे यार, मुझे यहाँ ही जाना है। रोक दे यहाँ पे। हाँ। चलो टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सी यू, बाय, बाय, एंजॉय गाइस, हैव फन। हाँ चलो, सी यू, बाय बाय बाय। मारना चाहते थे, लेकिन अगर उन दोनों को मारना था तो वरुण को मारना जरूरी पड़ गया। हमें लगता था इस बात का किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन हर क्रिमिनल क्राइम करते समय यही सोचता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस आखिर में उसे पकड़ ही लेती है। ले जाओ इसे। चल। अंत में दिल्ली के इस ट्रिपल मर्डर केस के असली कातिल दीपक और प्रशांत पकड़े गए। प्रशांत ने जहां अपने पिता के मौत के आरोपी लोकेश से बदला लेने के लिए ऐसा किया, वहीं दीपक ने तो अपनी ही बहन से जलन के कारण ऐसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया। दीपक और प्रशांत पर तीन लोगों की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 203 के तहत केस चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की कड़ी सजा हुई। लेकिन दोस्तों, हम सावधान इंडिया के तहत ये कहानियां क्यों सुनाते हैं? क्योंकि आप सतर्क रहें। बदले की भावना के तहत इंसान रिश्तों को और अपने आप को भी भूल जाता है। प्रशांत ने एक व्यक्ति से बदला लेने के लिए दो निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और दीपक ने तो अपनी उस बहन की हत्या की जो सालों साल उसकी कलाइयों पर राखी बांधती थी अपनी सुरक्षा के लिए। बदले की भावना और जुनून इंसान को शैतान बना देती है। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मनोज तिवारी लूंगा अब आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। लेकिन अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक।